OnePlus Nord से E3 Lite finally लॉन्च होने वाला है दोस्तों। प्राइस और स्पेसिफिकेशन भी बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग और एग्रेसिव है दोस्तों। सही बताऊं तो मुझे बहुत ही ज्यादा शानदार लगी दोस्तों। जाने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना। हाय गाइस, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं टेक्टोनिक्स। जय हिंद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहां पे फोन का जो लुक है बहुत ही ज्यादा क्लासी और डिजाइनिंग दिख रहा है। यहां पर आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिखाई देता है। यहां पे OnePlus की ब्रांडिंग, साइड में LED फ्लैश और यहां पर आपको ओवरऑल बॉक्स डिजाइन देखने को मिल जाता है। वहीं फोन के अंदर दोस्तों आपको दो कलर्स देखने को मिल जाएंगे। एक ग्रीन कलर देखने को मिलेगा और वहीं पे आपको एक ब्लैक कलर भी देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है। वहीं बात करें यहां पे बैक के मटेरियल की तो यहां पर आपको पॉलीकार्बोनेट मटेरियल देखने को मिल जाएगा। वहीं बात कर ले दोस्तों यहां पे डिस्प्ले की तो यहां पर आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। 6.7 इंच की आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी। साथ में आपको यहां पे पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। ये एक IPS डिस्प्ले है जो कि फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ में यहां पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। वहीं दोस्तों रैम और रोम की स्टोरेज की बात की जाए दोस्तों तो यहां पर 128GB प्लस 8GB मिलेगा। दूसरा वेरिएंट आपको 256GB प्लस 8GB देखने को मिल जाएगा। इसमें यहां पे आपको हाइब्रिड स्लिम स्लॉट देखने को मिलेगा। यहां पर आपको LPDDR4X देखने को मिलेगा। UFS 2.2 यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं वहां पे प्रोसेसर की दोस्तों तो यहां पर आपको Snapdragon 695 5G चिपसेट देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे सारे 5G बैंड्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। बात करें दोस्तों यहाँ पे कैमरा सेटअप की तो बैक साइड में आपको तीन कैमरा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पहला कैमरा होगा प्राइमरी 108 मेगापिक्सल का, उसके बाद होगा आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। बात करें यहाँ पे फ्रंट कैमरे की तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड वर्जन एंड UI की यहाँ पे बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। ऑक्सीजन OS के सपोर्ट में यहाँ रन करेगा। वहीं सेंसर की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाएंगे। साथ में आपको यहाँ पे माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। 3.5mm जैक भी देखने को मिल जाएगा। साथ में इसके आपको यहाँ पे ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों बैटरी की तो यहाँ पर आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है। डिवाइस आपका 67W को यहाँ पे सपोर्ट करेगा। साथ में आपको सुपर वोक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा जो कि आपको डब्बे के साथ ही यहाँ पर चार्जर देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल फोन कुछ दोस्तों इस तरीके से है। बात करते हैं यहाँ पे प्राइस की तो यहाँ पर प्राइस भी निकल के आ चुकी है लॉन्चिंग से पहले दोस्तों। और यहाँ पर बताया यहाँ पर आपको 8/128GB मिलेगा, वो होगा 19999 से। और यहाँ पर जो 8/256GB वाला होगा वो होगा 21999 से। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों फोन काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है क्योंकि प्राइस रेंज और OnePlus की ब्रांडिंग को देखते हो यहाँ पर काफी चीजें यहाँ पर अच्छी दी गई है। और मेरे हिसाब से ये काफी फोन धमाका मचाने वाला है स्मार्टफोन की फील्ड के अंदर। तो यहाँ पर हमने सारे प्लस पॉइंट्स की बात की तो यहाँ पर मुझे सिर्फ दो चीजों की कमी लगी। पहली बात तो यहाँ पर सुपर अमोलेड स्क्रीन नहीं है और दूसरी चीज यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देना चाहिए था। अगर ये दोनों ही चीज यहाँ पर दी होती तो ये एक फुल पैकेज फोन होता जो कि काफी अच्छी रेंज के अंदर एक 5G फोन प्रोवाइड करवाता है मार्केट के अंदर। सो ओवरऑल ये सारी चीजें थी OnePlus Nord CE3 Lite 5G फोन के बारे में। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए गाइस थैंक यू फ्रॉम टेक्टोनिक्स। टेक केयर।